विशेषता, विशेषण, हर व्यक्ति में कोई ना कोई क्वालिटी होती है, कुछ अच्छाइयां होती हैं, कुछ कमियां होती हैं। तो ये जो विशेषण है वो समझना है कि वो क्या है। विशेषण देखिए, शब्द भी बता रहा है विशेष, किसी के बारे में विशेष क्या है, खास क्या है उसको। जैसे लैंडमार्क नहीं होता है, किसी उसकी वजह से, कोई खासियत की वजह से वो व्यक्ति अपनी पहचान बना लेता है, वो शब्द कौन सा होता है। किसी के बारे में जो हम कहते हैं, कोई खास अलग कर देती हैं, जो भीड़ में बहुत से लोग बैठे हों उसमें कोई बात ऐसी होगी उस व्यक्ति में जो अलग कर देगी, उसकी वो विशेषता, वही वो बात, वही वो वजह विशेषण कहलाती है। अब ये किसके बारे में हो सकता है, चाहे वो कोई का नाम हो, नाम कहकर के आप कह सकते हैं कि वो तो भाई बहुत अच्छा है ना, या राम बहुत अच्छा है, वह बहुत अच्छा है और राम बहुत अच्छा है। तो वह और राम दोनों में से क्या था, एक था संज्ञा और दूसरा क्या था, सर्वनाम। चाहे वो संज्ञा हो, चाहे हम किसी को नाम से जाने, चाहे उसे रिस्पेक्टफुल वाले वर्ड यूज कर लें, आप, मैं, तुम, हम, ये, वो, ये जो शब्द बोले जाते हैं, जो संज्ञा में जिसका नाम ना कह करके हम उसको संबोधन बदल देते हैं, संकेत कर देते हैं, कोई दूसरा शब्द यूज करते हैं, तब हम उसे कहते हैं सर्वनाम। और इन दोनों के बारे में कोई अच्छी बात, कोई खराब बात, कोई गुण ऐसा कह दें जो इसकी विशेषता हो जाए, अलग हो जाए भीड़ से, तब उस शब्द को कहते हैं विशेषण। तो क्या हो गया, सर्वनाम या संज्ञा, शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे अब इसमें रंग सारे आते हैं कि मेरी भैंस काली है, गाय सफेद और काली है, तो ये क्वालिटी है ना, उसकी विशेषता है ना। दुबला, पतला, मोटा, लंबा, छोटा, ये सब विशेषताएं हैं। झूठा भी, कि अच्छा वो वाला बच्चा जो झूठा है, तो उसकी क्वालिटी हो गई, उसकी अच्छा भी कह सकते हो, बहुत बढ़िया ईमानदार बच्चा है वो। तो देखिए वो ईमानदार क्या है, उसकी तारीफ है, उसकी विशेषता है, उसकी क्वालिटी है। तो यही विशेषता ही तो विशेषण कहलाता है। जैसे कोई बच्चा सुंदर बगीचे में गई, अब देखिए सुंदर खास बात है, बगीचे बहुत होते हैं, अब सुंदर बगीचे में गई है, तो बगीचा सर्वनाम है और नहीं संज्ञा भी है, बगीचा एक स्थान का नाम है, और सुंदर में गई है, सुंदर उसकी तारीफ है, उसकी क्वालिटी है, उसकी पहचान है, सुंदर इस वाले में, उस वाले में, इस तरीके से जो हम बोलते हैं। रसीले आम, आम तो सब बहुत सारे होते हैं, रसीला कह दिया गया तो ये विशेषता हो गई उसकी, तो रसीला शब्द जो है वो विशेषण है। लंबा वाला आम है ना, खट्टा आम, मीठा आम, तो ये जो क्वालिटी उनकी बता रहा है, जो विशेषता बतला रहे शब्द वो। तो आज क्या करिए आप लोग, कुछ शब्द बनाइए, कुछ वाक्य लिखिए और उसमें विशेषण सहित संज्ञा या सर्वनाम लिखिए, उसके आगे विशेषण से 20 वर्ड लिखिए कोई, लेकिन वो संज्ञा होना चाहिए, किसी वस्तु प्राणी के नाम होने चाहिए, और सर्वनाम हो, फिर उसके साथ कोई ऐसा शब्द लगाइए जिससे उसमें क्वालिटी आ जाए। आम कहते हैं तो खट्टा आम लिखिए, तो खट्टा क्या है, ये विशेषण है, और आम क्या है, संज्ञा है। तो एक संज्ञा हो और एक विशेषण हो, दो मिलाकर के आप 20 शब्द लिखिए। भाई पहले नंबर पर जैसे लिखा आपने कोट, अब कोट क्या है, संज्ञा है, अब यहां लिख दीजिए पीला कोट, पीला कोट। अब यहां पर कोट संज्ञा है तो पीला क्या है, ये विशेषण है, उसकी विशेष बात। भाई 10 कोट टंगे हुए, पीला वाला कोट लाओ,
तो पीला जो कहा गया वो अलग कर दिया, सारे भीड़ से अलग हो गई उस कोट की पहचान। तो इस तरीके से हम कौन कौन से चीजें यूज कर सकते हैं, हम गुण को बता सकते हैं किसी के बारे में, उसका गुण क्या है, दोष बता सकते हैं कि वो बच्चा जिसमें ये दोष है, फिर रूप के बारे में बता सकते हैं सुंदर, आकार के बारे में छोटा आदमी बड़ा आदमी बौने लोग, तो जितने लोग हो उसमें बौना आदमी ले आओ, तो बौना एक अलग हो गई ना, विशेष बात हो गई। और माप तोल वाली बात की चीनी लानी है 2 किलो चीनी, अब 2 किलो अलग हो गया है ना, इस तरीके से हम उसको कह सकते हैं। जो शब्द सर्वनाम या संज्ञा के विशेषता बतलाते हैं उसे विशेषण कहते हैं, ये बात आप जानिए। और आज 20 शब्द ऐसे लिखिए जो अपने साथ विशेषण को भी रखे हों, मतलब ऐसा लिखिए एक विशेषण हो और एक संज्ञा हो। तो देखिए विशेषण के बारे में आज लिख लोगे तो लाइफ में कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी, बात जैसे ही वहां पर आएगी कहीं पूछा जाए तो आपको पता होगा, आपको अच्छा फील होगा। जैसे पालतू घोड़ा, घोड़ा क्या है, संज्ञा है, और पालतू उसकी विशेषता है, तो इसका करें लिस्ट बनाएं और फिर दूसरे दोस्तों से भी कहें वो भी बनाएं, और दोस्तों को मेरा चैनल भी देखने के लिए कहिए। तो मैं हिंदी इंग्लिश मैथमेटिक्स साइंस के छोटे छोटे क्लास के लिए वीडियो बना रहा हूँ, 5th क्लास तक के लिए, बच्चों के लिए, बड़े क्लास का भी बन रहा है, वो बन चुका है लगभग थोड़ा, और बीच बीच में मैं बताता रहता हूँ, तो देखते रहिए, मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद।